लद्दाख के बारे में जैसे ही सोचते हैं तो सबसे पहले मेरे दिमाग में जो आता है पर इतनी सुंदर खूबसूरत जगहों पे जाने के लिए हमेशा रास्ते जो होते हैं वो बड़े ही कठिन और मुश्किल होते हैं और कभी कभी बड़े खतरनाक भी होते हैं। और इन्हीं खतरनाक और मुश्किल और कठिन रास्तों के लिए मैं आपसे ये कहूँगा कि आप जो भी पार्टनर्स चूज़ करें वो बड़े ही ध्यान से केयरफुली चूज़ करें, और ख़ास तौर से जब आप ऐसी जगह पर जा रहे हो तो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, द ट्रस्ट। और वो ट्रस्ट आपको चाहे उस बंदे में हो, चाहे उस बंदी में हो, चाहे उस प्रोडक्ट में हो या कोई भी चीज़ में हो, मतलब उसमें जो वो ट्रस्ट फैक्टर है, जैसे किसी को होता है कि यार मैं ये कैमरा ही लेके जाऊँगा, मेरे को इसमें ना ट्रस्ट है, ये गिव अप नहीं करेगा, यार मैं इस बंदे के साथ ही जाऊँगा, यार ट्रस्ट है मेरे को इसके साथ, ये अपने साथ रहेगा भाई, मतलब यू नो इसके साथ मेरे को ट्रस्ट है। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है कि मतलब कुछ लोगों का ये भी होता है कि नहीं यार मतलब मैं अपने साथ ना ये चीज़ें रख लेता हूँ क्योंकि ये मेरे को पता है कि मेरे को काम आएगा ना, ट्रस्ट है कि जब ऐसी सिचुएशन आएगी तो दे विल डू परफेक्टली। सो जो ट्रस्ट फैक्टर है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इस बार मैंने एक नया पार्टनर अपनी राइड के लिए चूज़ किया है जो है प्यूटोलाइन मोटरसाइकिल ऑयल्स, एंड दे मेक इंजन ऑयल्स एंड लुब्रिकेंट्स फॉर मोटरसाइकिल्स। कुछ और भी इनके प्रोडक्ट्स हैं वो आप इनकी वेबसाइट पर जाके देख सकते हैं। जो मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बोल रहा था ट्रस्ट फैक्टर की, मैं तो इसको पहली बार यूज़ कर रहा हूँ तो एज सच कोई मेरा ट्रस्ट फैक्टर तो है नहीं। फिर आप कहोगे कि अभी तो आप बोल रहे थे कि आपको ट्रस्ट फैक्टर जो हो वो चूज़ करना चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ, पर आप खुद जिस पे ट्रस्ट नहीं है आप उस पर एग्जैक्टली मेरा पॉइंट ये था कि क्योंकि मैं ऐसी राइड्स पे काफ़ी साल से जा रहा हूँ, आई एम राइडिंग फॉर 10 ईयर्स, एंड थोड़ा बहुत तो एक आइडिया हो जाता है, थोड़ा बहुत एक कॉन्फिडेंस भी आ जाता है। फिर क्या होता है कि जब आप नई चीज़ें ट्राई करोगे, खास तौर से मैं इसलिए बोल रहा हूँ अपने लिए क्योंकि मैं एक चीज़ें काफ़ी साल से करता आ रहा हूँ, सो वेन आई यूज़ इट और फिर जो उसकी परफॉर्मेंस होगी एंड आई विल शेयर विद यू, तो एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्डअप होगा आपका भी। मैं यूज़ कर रहा हूँ पर ट्रस्ट फैक्टर जो पैदा होगा वो आपका होगा कि ये वर्दी था, अनवर्दी था, ख़राब था, सही था, क्योंकि कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के बारे में रिव्यूज़ और बहुत सारी चीज़ें बनाती हैं कि ये ऐसे करता है वो ऐसे करता है हर कोई, पर एक होता है ना रियल वर्ल्ड में, मतलब जहाँ पे मैं बात करूँ अगर इंजन ऑयल की जो मैं इसका यूज़ करूँगा, दैट इंजन ऑयल विल बी टेस्टेड इन एक्सट्रीम टेम्परेचर्स, सब जीरो टेम्परेचर्स, बिलो जीरो डिग्रीज टू एज हाई एज 40-45 डिग्रीज नॉर्मल टेम्परेचर्स, चेन ल्यूब और चेन क्लीन, चेन विल बी टेस्टेड लाइक 600 किलोमीटर्स, 500 किलोमीटर्स डेली रनिंग, यू नो उसके बाद धूल, कीचड़, पानी, ठंडा पानी, पत्थर, मतलब यू नो एक्सट्रीम्स में कि वो जो ल्यूब है वो होल्ड करता है नहीं करता है, और जब वो
चेन बिल्कुल गंदी हो चुकी होगी कीचड़ में और सब कुछ, तो जब मैं सो चेन क्लीन एक्चुअल में जब वहाँ पे यूज़ करूँगा तो हाउ इट परफॉर्म्स। अब शहर में आप डेली ऑफिस जा रहे हो, उसको चेन कितनी गंदी होती है वो करोगे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। पर मैं बात कर रहा हूँ एक्सट्रीम की। फिर इसका तीसरा प्रोडक्ट है जो खुद वेरी इंटरेस्टिंग है, इट्स लाइक दिस हेलमेट सैनिटाइजर। पूरे दिन दिन हम हेलमेट पहन के रखते हैं, मतलब राइड करते हैं 10 10 11 11, कभी कभी 16 16 घंटे हो जाते हैं। आप सोचो कि वो अंदर अगर स्मेली हो, आप साफ ना हो, यू नो, क्योंकि वो हर टाइम आपके मुंह के आसपास रहेगा। सो दिस हेलमेट सैनिटाइजर इज अ ग्रेट प्रोडक्ट, जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो ये कहता है विल यूज़ इट, कि इट कैन जो स्मेल वेल होती है वो निकाल देता है। इट्स इंस्टेंट क्लीनर, यू कैन स्प्रे इनसाइड एंड क्लीन इट फ्रॉम इनसाइड। वाइजर भी क्लीन कर सकते हो, यू नो, क्लीन वाइजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन योर राइडिंग, यू नो, क्योंकि नेचुरली आप पूरे दिन चलोगे तो आप 30 40 की स्पीड तो नहीं चल रहे हो। एंड यू राइडिंग एट लिटिल हाई स्पीड्स फॉर लॉन्ग डिस्टेंस, क्लियर विजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये तीन प्रोडक्ट्स हैं, एक चेन का जो चेन ल्यूब है और चेन क्लीन है, उसके बाद एक हेलमेट सैनिटाइजर है एंड वाइजर क्लीनर है, और तीसरा जो इंजन ऑयल है। सो बेसिकली दीज थ्री न्यू पार्टनर्स जो मेरे इस राइड के साथ जुड़ रहे हैं और जिनको मैं मतलब खुल के टेस्ट करूंगा। आपने मेरे वीडियो से देखे हैं, आई विल बी टेस्टिंग लाइक हेल। सो भाई लोगों, एडवेंचर तो था क्लासिक, आई टेल यू इट वॉज माइंड ब्लोइंग, फुल ऑफ वन हेल ऑफ एडवेंचर था। और रही बात अब प्रोडक्ट्स की बात करूँ, अब मैं सिर्फ इंजन ऑयल की बात करता हूँ। आई टेल यू 3000 किलोमीटर्स में बाइक चला के आया, जिसमें कुछ लास्ट के 2 दिन द बाइक वॉज लाइक 15 16 आवर्स रनिंग अ डे, 15 16 घंटे। पर आपको सच सच बताऊं, जैसे ही मैंने इंजन ऑयल डाला था द फर्स्ट डे, जब मैं यहाँ से गया था, जब मैं इसको इंजन ऑयल इसको डाल रहा था, इंजन की ना आवाज़ ही बदल गई थी। द गियर शिफ्टिंग वॉज लाइक सुपर स्मूथ, बटर स्मूथ हो गए थे, और इंजन में से ना एक वाइब आ रही थी कि मतलब समथिंग गुड हैज़ गॉन इनसाइड। पर चलो वो इनिशियल थे, उसके बाद जब मैंने इतने किलोमीटर्स किलोमीटर्स चलाए, खींचे, हाई स्पीड से भी चलाए, ख़राब रास्तों भी चलाए, पर आई टेल यू द मोर एंड मोर द इंजन वॉज रनिंग, इट वॉज ऐसा फील हो रहा था कि अंदर ना फुल ऑन फन चल रहा है। द साउंड वॉज अमेजिंग, यू कैन फील इट कि दैट यू नो, वो एक म्यूजिक सा होता है, तो यू कैन फील कि अंदर सब कुछ अच्छा है, वो हो जाता है एक कनेक्शन। सो आई वॉज सुपर हैप्पी विद द इंजन ऑयल, आई वॉज लाइक ब्रिलियंट, आई हैड लाइक नो कंप्लेन्स। आई डोंट नो कि और क्या बेटर हो सकता है, बट ऑन दिस जो मैंने अभी यूज़ करा वॉज लाइक सुपर कूल। उसके बाद आती है चेन ल्यूबिंग एंड क्लीनिंग की बात। चेन ल्यूबिंग ने तो कमाल ही कर दिया, मतलब दिस स्मॉल दिस कैनिस्टर ना, दिस टेक चेन, इसने कमाल कर दिया आई टेल यू। बीच में अगर आप मेरा ये वीडियो देखो, पहले एक छोटा सा एक पार्ट देखते हो ये वीडियो का, देखो आप इंसम चेन। और जैसे कि आपको पता है, प्रोटो लाइन इज द इज पावर्ड बाय और स्पॉन्सर्ड बाय, मतलब मैं इनके प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहा हूँ इस ट्रिप पे। आई थिंक 1500 के करीब चल गई है, और बहुत ही मंदी मेरे रास्ते थे, वो आप देख ही सकते हो बाइक की हालत, तो अपना 1000 1500 के आसपास ख़राब रास्ते हैं, बहुत मट्टी वट्टी जम रही है। तो क्लीन सही हो गई चेन क्लीनिंग, अब हम करेंगे चेन ल्यूबिंग। ये है वैक्स पेस्ट जो अपनी कोटिंग बना देता है उसके ऊपर, और उसके ऊपर अगर कोई भी कीचड़ वीचड़ आती है तो वो उसके ऊपर एक कोटिंग बन जाएगी। तो इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि जब वो कीचड़ वीचड़ लग गई थी ना, उसके बाद जब वो धुली बाइक, तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि ये पूरी कीचड़ जम गई है, अब धुलेगी तो मतलब सब कुछ तो चला ही गया होगा, पर ल्यूब था, ल्यूब वहाँ पे बचा हुआ था। वो कीचड़ जैसी हटी धुल के, यू कैन सी द वाइट ल्यूब होल्डिंग देयर, एंड आई वाज लाइक वाओ सुपर। मैंने कहा वो एक टेंशन ही निकल गया, अब मेरे को उसके बाद ना वो कॉन्फिडेंस आने लगा, और कि मेरे को पता है कितनी भी कीचड़ जमी है वो, पर ये पता है कि नीचे ल्यूब है, इट्स देयर, ल्यूब इज देयर, इट्स होल्डिंग, सो डोंट वरी। और फिर रही बात क्लीनिंग की, अब क्लीनिंग क्या आप डेली कंडीशंस में तो जो नॉर्मल है, आप शायद वो 2000 3000 में क्लीन करने की ज़रूरत ना पड़े, पर दोज कंडीशन में ना रीच ले आफ्टर लाइक 1000 किलोमीटर्स, इट वॉज लाइक पूरा हो चुका था वो गंदा। उसके बाद मैंने उसको प्रॉपरली साफ ऑफ किया वहाँ पे एंड एवरी थिंग, एंड इज लाइक ज़्यादा ब्रश भी नहीं लगाना पड़ा, एंड जो मट्टी वट्टी कचड़ा वचड़ा था जस्ट फेल डाउन। सो डिड ग्रेट, बट ल्यूबिंग वॉज अमेजिंग, यू नो, सो आई हैड लाइक वाव हो गया था मैं बिल्कुल।
और तीसरी चीज़ आ जाती है हेलमेट, सैनिटाइजर एंड क्लीनर। आई टेल यू, इसका जो सैनिटाइजर मतलब जो वो जो एक कहते हैं ना कि आपका जो, मैं आपको दिखाता हूँ एक चीज़, ये अपना हेलमेट है, इसके अंदर जैसे आपके ये लाइनर्स होते हैं अंदर के, यू नो ये लाइनर्स, यू कैन टेक इट आउट, मैं आपको दिखाई देता हूँ। इट्स लाइक लिटिल फोमी और ये एकदम से इवेपोरेट कर जाता है। तो आप इसको बस थोड़ी देर आप इसको सूखने के लिए दो। इट्स लाइक अगर आप धूप होगी तो आई थिंक विद इन 1 मिनट और 2 मिनट इट विल जस्ट ड्राई अप, और नॉर्मली 5-6 मिनट में ड्राई अप हो जाता है एंड स्टार्ट स्मेलिंग गुड्स। वो सब गंदगी जो है वो सब निकल के वैपोरेट हो जाती है एंड दैट्स इट, इट्स रेडी टू यूज़। सो दिस इज, दिस वॉज लाइक, प्लस आप इसको हेलमेट का जो वाइज़र है उसे भी क्लीन क्लीन किया मैंने इसको बीच में काफ़ी बार। शाम हमको क्या होता था कि वैसे मैं हेलमेट वाइज़र खोलता था, शाम को उसको बंद कर लेता था तो कीड़े वीड़े भी उसमें क्या है वो लग जाते थे कभी कभी, तो आई यूश टू क्लीन इट। ग्रेट, एक बार स्प्रे किया, 10-15 सेकेंड रोक छोड़ दो उसको एंड देन जस्ट पुट अ क्लॉथ एंड एवरीथिंग एंड जस्ट ड्राइज अप एंड इट्स चक्कू एकदम, वो कुछ स्टिकी विकी नहीं रह जाता है, जस्ट क्लीन सा। सो एट द एंड आई विल से कि दैट आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड थैंक यू प्यूटोलाइन ऑन ट्रस्टिंग मी, क्यों बिकॉज जैसे मैं इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर रहा था आप भी मेरे पे ट्रस्ट कर रहे थे कि यार एक नया बंदा है, नया यूट्यूबर एंड एवरी थिंग, आई डोंट नो कि उनको भी एक होता है यार सबको, तो ट्रस्ट फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे बिल्डअप होने में टाइम लगता है यू नो, चाहे किसी भी चीज़ में। सो आई एम वेरी हैप्पी इन 3 प्रोडक्ट्स को जो मैंने यूज़ किया है विद प्यूटोलाइन एंड क्वाइट हैप्पी। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आप लोग भी जब भी आपको मौका मिले एंड यू आर लुकिंग फॉर समथिंग लाइक दिस यू कैन ट्राई इट। सो गाइज मेरी तरफ से रिकमेंडेड है, बाकी आपकी चॉइस है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी एंड टेक केयर, हैव फन, बाय बाय।